मान लो आप आपके फ्रेंड्स से मिलने गए, अब उधर कुछ तो हुआ, बातचीत चल रही थी और कोई बात पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आपको समझ में भी नहीं आता है कि आपको गुस्सा क्यों आया है, बट वो आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तेरे पीरियड्स तो नहीं आ रहे, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है। इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आता है और ये पीरियड्स के एग्जैक्टली एक हफ्ता 10 दिन पहले से शुरू होता है। आपको ये वाले सिम्टम्स अगर दिखते हैं, प्लस अगर आपको हेडेक आता है, क्रैम्प्स आते हैं, इरिटेशन सा महसूस होता है, समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, ब्रेस्ट में हैवीनेस होता है, या फिर आप बहुत ज्यादा टायर्ड या फिर वीक या स्लीपी, आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाते हैं, ये खाओ वो खाओ ये खाओ वो खाओ, तो ये है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मतलब पहले, पीरियड्स के एक हफ्ता 10 दिन पहले ये सिम्टम्स है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है जिसे कॉमनली PMS करके जाना जाता है। तो ये वीडियो PMS के लिए रहेगा, आपकी फ्रेंड्स के लिए, आपकी वाइफ्स के लिए, आपकी सिस्टर्स के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर बॉयज ऑल्सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, ताकि आप उन्हें हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। सो देखते हैं वॉट इज PMS। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अगर ये हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग टाइप्स में, ग्रुप्स में, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो माइल्ड फॉर्म होता है, सीवियर फॉर्म होता है। माइल्ड मतलब जब आपको समझ में आता है, देखिए पीरियड्स में ना तीन फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज जहां पे पीरियड्स में मतलब प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल जो हॉर्मोन्स होते हैं वो राइज होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ओव्यूलेशन फेज होता है जहां पे एग रिलीज होता है ताकि प्रेगनेंसी हो पाए, बट इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो उसको सपोर्ट करने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, उनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो हमारे ये सारे सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ना माइल्ड होते हैं या फिर सीवियर भी हो सकते हैं। अगर माइल्ड फॉर्म में है, जैसे आपको क्रेविंग्स हो रही है बट यू कैन कंट्रोल, या फिर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है बट यू नो कि कैसे मैनेज करना है, आपको पता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, मूड स्विंग्स होते हैं बट बहुत ज्यादा आप इफेक्ट नहीं करते खुद को या फिर दूसरों को, तो ये माइल्ड जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर माइल्ड सिम्टम होते हैं PMS के, जो आपको डाइट से ठीक कर सकते हैं आप, बट कुछ कुछ केसेस में ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, यहां तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इसे मैनेज कैसे करें। तो जब माइल्ड की बात आती है, माइल्ड टू मॉडरेट PMS वाले सिम्टम्स जहां पे होते हैं, वहां पे हमें अच्छे से डाइट लेनी होती है। डाइट इन द सेंस, क्योंकि हार्मोनल ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, उस टाइम आपको ये जरूर ख्याल रखना है कि आप हेल्दी खाते हैं। क्यों हेल्दी खाना जरूरी है? क्योंकि जो हम जंक खाते हैं या फिर जो अनहेल्दी चीजें होती है जिसमें सारी रिफाइंड गलत ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा मसाले यूज किए जाते हैं, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, तो उससे हमारा डाइजेशन खराब होता है, उससे अंदर का हार्मोनल बैलेंस और भी बिगड़ जाता है, और सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल की वजह से जो ब्लोटिंग आती है उस वजह से वाटर रिटेंशन होता है, एंड आपको जो ब्रेस्ट हैवीनेस है, जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, जो ब्लोटिंग आपको लगती है वो रिटेंशन की वजह से और भी महसूस होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद जो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो उससे आपको बेटर महसूस होता है, ब्लोटिंग से बहुत अच्छा आराम मिलता है, और जैसे डाइट में आप कैल्शियम मैग्नीशियम जो डाइट इंक्लूडेड रहता है वो भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि रिकवरी में जो ड्रॉप हुआ है हार्मोन के लिए वो सपोर्ट आप कर सकते हो। तीसरी बात, जब आप डाइट लेते हो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, जैसे कि ग्रेन्स या फिर लेंटिल्स जो होते हैं वो जरूरी है, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब जहां पे हम लोग ओट्स की बात करते हैं, ब्राउन राइस की बात करते हैं, तो होल ग्रेन्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें।
ताकि हेल्थ बनी रहे, अंदर का जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से बना रहे। ठीक है, तो ये चीज है जो माइल्ड टू मॉडरेट पीएमएस को मैनेज कर की जाती है। जहां पे सीवियर होता है, जैसे हमने कहा कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ जाती है या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाती है लड़कियां और औरतें भी, औरतें इन द सेंस 35 to 45 की एज में, जहां पे पेरीमेनोपॉजल स्टेट होती है, जहां पे मेनोपॉज की पहले वाली स्थिति होती है, यहां पे ये जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपकी डाइट का। बट जब आपके सिम्टम्स एक लिमिट के बाहर जाते हैं तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट होम्योपैथी में बहुत ब्यूटिफुल मेडिसिन है एंड दे एक्ट सो वेल इन पीएमएस एंड वी हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट्स विद होम्योपैथिक मेडिसिन। बट जो गूगल पे मिलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, उनको देख के आप बिल्कुल मत लीजिए। आप प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है उनके पास जाके प्रॉपर कंसल्टेशन लेके उनसे ही आप दवाई लें। सो ये थी जानकारी पीएमएस के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है। एंड आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए जिन पे आप चाहते हैं वीडियो बने तो वो भी सजेस्ट कीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको जिनको लगता है कि पीएमएस से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विथ The Homeo Life.